हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आइयो बच्चे होंगे, माय नेम इज रोहन एंड वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। और आज के वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैथ्स के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 to 580 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से हम क्या घटाएं कि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिविजन मैथड से इसका स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किससे करेंगे, 2 से, 2 इंटू 2 4, ये क्या बचा 2, फिर क्या आएगा यहाँ 2 5, और यहाँ पे क्या आएगा 4। ठीक है, फिर हम करेंगे 5 से, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 225, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 80, यहाँ पे क्या आएगा 50, लेकिन 80 को क्या कितने टाइम्स ले जा सकते हैं हम, 0 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, तो ये आएगा 0, तो माइनस करेंगे क्या बचेगा हमारे पास 80, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 80, तो इसका मतलब अगर हम इस नंबर में से 80 को माइनस कर दे तो हमारा रिमाइंडर 0 बचता, तो हमारा ये क्या आ जाता 250 का स्क्वायर आ जाता, तो इसका मतलब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 80, तो आंसर क्या हो गया हमारा डी ऑप्शन 80। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एक्स प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू है 4/7, तो हमें क्या बताना है x बताना है, तो हम क्या करेंगे इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर, ये क्या आएगा 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 8x प्लस 5 × 4 = 20, तो ये क्या आएगा 21 माइनस 20 इज इक्वल टू 8x और माइनस 7x, तो यहाँ से x कितना आ गया हमारे पास 1, तो हमारा आंसर क्या होगा सी ऑप्शन x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:5:6। एंगल्स का रेशियो हमें क्या दिया है 3:4:5:6, तो हम एंगल्स क्या क्या मान लेते हैं 3x 4x 5x और 6x। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम्स कितना होता है 360 डिग्री, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 + 5 = 11 प्लस 4 = 15 and 3 = 18x, तो 18x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 360 डिग्री, तो x क्या आ गया यहाँ से 20 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या बताना है वन ऑफ द एंगल्स बताना है, तो अगर x 20 आ गया तो एक एंगल कितना आ गया 60, यहाँ पे ये आएगा 80, ये एक आएगा 100 और एक आएगा 120, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन क्या है हमारे पास 100 है हमारे पास, और ऑप्शन क्या है ये सी ऑप्शन 100। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर बताना हमें 3x² - 4x - 7, इसको हम कैसे करेंगे 3x² ठीक है माइनस 7x प्लस 3x - 7, ये क्या आएगा हमारे पास, इसमें से कॉमन लेंगे x, ये क्या आएगा 3x - 7 और प्लस 1 और 3x - 7, हमारे पास क्या आ गया ये x प्लस 1 इंटू 3x - 7, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास 3x - 7 है एक फैक्टर, तो आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन 3x - 7। नेक्स्ट है हमारे पास, एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद वन साइड एक्स, एक स्क्वायर है हमारे पास जिसकी साइड क्या है एक्स, ठीक है, वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस एक्स, एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसका बेस क्या है एक्स, ठीक है, तो अगर साइड एक्स है तो इसका एरिया कितना होगा एक्स स्क्वायर, और इसका अगर बेस हमें पूछा क्या है ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पूछा है, ये क्या है ऑल्टीट्यूड को हमने मान लिया ए, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस और इंटू ऑल्टीट्यूड कितना ए, और ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं, तो हमें क्या निकालना है अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू टू डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया ए, तो ये एक एक्स कैंसिल, तो ए क्या आ गया हमारे पास 2x, तो इसका मतलब ऑल्टीट्यूड क्या हो गया हमारे पास 2x, तो आंसर क्या होगा हमारा ए ऑप्शन 2x। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ 2³ इंटू 2² इज इक्वल टू 2² m - 1, तो हमें क्या बताना है 1 बताना है, तो ये 2³ इंटू 2² ये क्या हो जाएगा 2³ + 2, तो ये हो जाएगा 2⁵, और ये किसके इक्वल है 2² 2m - 1, अब बेस जो है 2 और 2 दोनों सेम है तो इसका मतलब पावर भी क्या होंगी सेम, तो 5 इज इक्वल टू 2m - 1, तो ये हो जाएगा 5 + 1 = 2m, यहाँ से m क्या आ जाएगा
सिक्स अपॉन टू इज इक्वल टू थ्री, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट है हमारे पास टू नंबर्स आर इन द रेशियो फाइव इज टू थ्री इफ द डिफर बाय 20 देन स्मॉलर नंबर इज, दो नंबर है फाइव इज टू थ्री के रेशियो में, ठीक है, तो हमने लेट कर लिया एक नंबर 5x और एक 3x, अब इनका डिफरेंस कितना है 20, तो इसका मतलब 5x माइनस 3x क्या है 20, तो 2x क्या आ गया 20, तो यहाँ से x क्या आ गया 10, तो अगर x 10 आ गया तो हमारे पास नंबर्स क्या आ गए 5x है तो 5 इंटू 10 क्या हो गया 50, एक नंबर 50 आ गया, दूसरा नंबर क्या आएगा 3 इंटू 10 इसका मतलब 30, दो नंबर आ गए 30 और 50, हमें क्या पूछा है स्मॉलर पूछा है, स्मॉलर क्या हो गया 30, तो आंसर क्या हो गया डी ऑप्शन 30। नेक्स्ट हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 2.5 सेंटीमीटर, हमारे पास क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई की वैल्यू दी हमें 22/7, रेडियस हमें क्या दिया डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 6/2 3, तो ये हो गया 3 × 3 आर स्क्वायर, और हाइट कितनी दी है हमें 2.5, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 22 × 3 × 3 9, और 9 × 25 कितना आएगा 22.5 और अपॉन में क्या है 7, अब 22 की 22.5 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 495.0 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 495/7 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया हमारा डी ऑप्शन 495/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ कॉनिकल टेंट विद वॉल्यूम 432 π m³ एंड हाइट 9 m, कॉनिकल कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h, ये होता है कोन का वॉल्यूम, और ये किसके बराबर है 432 π, अब ये क्या आ गया हमारे पास 1/3 π, ठीक है, और हमें क्या निकालना है रेडियस हमें फाइंड करना है तो आर स्क्वायर, और हाइट कितनी हमारे पास इंटू 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 432 π, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 432 π × 3 और अपॉन में 9 और पाई, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 9 से ये जाएगा 9 × 4 = 36, 9 × 8 = 70, तो ये आएगा 144, आर स्क्वायर हमारे पास 144 है, तो आर क्या आएगा हमारे पास 12, तो रेडियस क्या हो गई हमारे पास डी ऑप्शन 12 m। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 cm एंड 8.2 cm, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो हमारे पास क्या है 1/2 × लेंथ, डायगोनल की एक की लेंथ 10 है और दूसरे की क्या है हमारे पास 8.2, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये कितना आएगा 4.1 और 4.1 × 10 कितना आएगा 41, आंसर क्या होगा हमारे पास डी ऑप्शन 41 cm². नेक्स्ट हमारे पास द डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर, रेक्टेंगल के डायगनल इक्वल होते हैं नॉट इक्वल या फिर नन, रेक्टेंगल के डायगनल्स कैसे होते हैं इक्वल, तो आंसर क्या हो गया हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, अ कॉन्स्टेंट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, कॉन्स्टेंट क्या होता है जैसे कोई भी जैसे 3 है, ये क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है 3 के साथ, हम x की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये इवेंचुअली ये होगा क्या 3 ही होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 0, तो इसका आंसर हमारा हो गया ए ऑप्शन 0। नेक्स्ट हमारे पास लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसी लाइंस एक प्लेन में जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती उनको क्या बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस, तो आंसर क्या हो गया हमारा पी। नेक्स्ट हमारे पास 6.25 इसकी पावर कितनी 3/2, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो 6.25 को क्या लिख सकते हैं हम 2.5 का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, और ये आ जाएगा ये 2 है तो ये पावर की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 2 × 3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2.5 की पावर 3, अब 2.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना 2.5 × 2.5 × 2.5, ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 1 5
625 और 3 है तो 3 पॉइंट्स हमारे पास आएगा 115.625। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन 15.625। नेक्स्ट है हमारे पास जॉन परचेज्ड 100 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹2 पर ऑरेंज, तो सीपी कितना हो गया, सीपी ऑफ 100 ऑरेंजेस, 100 ऑरेंजेस का सीपी कितना हो गया, 100 इंटू 2 कितना हो गया, 200। अब उसने क्या किया, 60% ऑफ द ऑरेंजेस, ठीक है 100 में से 60% कितने के बेच दिए, ₹2.5 पर ऑरेंज। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं हम अब सारे ऑरेंजेस का, 60% 100 का 60% कितना होगा, 60/100 ऑफ 100, और ये कितने के बेचे इसने, 2.5 पर ऑरेंज, ठीक है प्लस बचे कितने, 40% बचे, तो 40/100 इंटू 100, और ये कितने के बेचे उसने, ₹2 पर ऑरेंज, तो इंटू 2 ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 60 इंटू 2.5, ये आएगा 150 और प्लस 40 इंटू 2 80, तो ये कितना आ गया 230। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है, ठीक है तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें, प्रॉफिट हो गया एसपी कितना 230 और माइनस सीपी कितना 200, तो प्रॉफिट हो गया हमें 30 का। अब हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना था 200 और इंटू 100, तो ये आएगा हमारे पास कितना 15%, ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन 15। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ आए होंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।